सऊदी अरब ने खत्म कर दी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मान्यता, कहा वापस चले जाओ यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सऊदी अरब में रह रहे पाकिस्तानी डॉक्टर्स पहले से ही जॉबलेस थे, लेकिन अब उनको अपने देश वापस लौटना पड़ रहा है। सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान से MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी और MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री लेकर आए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अयोग्य ठहरा दिया है। वहाँ की सरकार का मानना है कि पाकिस्तान के इन दोनों डिग्री वाले डॉक्टर्स की पढ़ाई उस स्तर की नहीं है कि उन्हें यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए। आपको बता दें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स सऊदी अरब में ही रहते हैं। पिछले महीने लिए गए इस फैसले के बाद हजारों डॉक्टर्स की नौकरी चली गई थी। इन डॉक्टर्स को सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा गया था, अब ये डॉक्टर वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने सऊदी अरब के स्वास्थ्य आयोग SCFHS द्वारा जारी किए गए टर्मिनेशन लेटर में कहा गया था, सऊदी अरब की सरकार अब पाकिस्तानी स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों MS और MD को मान्यता नहीं देती है। मेडिकल लाइसेंस के लिए उनकी योग्यता अस्वीकार्य है। एक लेटर में लिखा गया है, पेशेवर योग्यता के लिए आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। वजह यह है कि पाकिस्तान से आपकी मास्टर की डिग्री SCFHS नियमों के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है। अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है इन पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक लेटर पाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स को सऊदी अरब छोड़ने और प्रत्यर्पण के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब मंत्रालय ने दावा किया कि डिग्री में वरिष्ठ नौकरियों के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रशिक्षण का अभाव था। इस खबर से काफी पाकिस्तानी डॉक्टर्स को झटका लगा है, जिनमें से कई सऊदी अरब में दशकों से काम कर रहे हैं। अब वो या अपने देश वापस जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी विकल्प उनके पास नहीं बचा है। सऊदी अरब में रह रहे एक पाकिस्तानी डॉक्टर जाहिद का भी मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई से बातचीत में कहा कि हॉस्पिटल में मेरे सहकर्मी मुझे जज करते हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ फर्जी डिग्री लेकर के आया हूँ। मेरे अब तक के लिए किए गए काम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा रोजगार भी खतरे में है। आगे जाहिद ने कहा कि सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रातों रात बिना किसी नोटिस के ये फैसला लिया। हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। जाहिद ने आगे बताया कि वो बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखकर अपने परिवार के साथ सऊदी अरब आए थे और यहाँ पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा कमाते थे। जाहिद ने सऊदी अरब को इस संदर्भ में आवेदन दिया था, लेकिन 10 महीने बीत चुके हैं, उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं, सऊदी अरब में मेरा भविष्य अधर में है, मेरे साथ परिवार भी है, यहाँ स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरा प्रत्यर्पण होता है तो ये भी तय नहीं कि पाकिस्तान में मैं अपने परिवार का गुजारा कर पाऊंगा। वहाँ के हालात पहले से ही अनिश्चित हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।